हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर शाम के लिए कि पिता परमेश्वर ने मुझे और मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड को यह अवसर दिया है कि हम आज की शाम परमेश्वर के कलाम को अपने प्रिय पेज यहोवा हमारी धार्मिकता मिनिस्ट्री पर ये पेज हमारी छोटी बहन बहन जूली दत्त जी का है और परमेश्वर ने यह अवसर दिया और उन्होंने हमको इस बात का निमंत्रण दिया है कि हम इस पेज पर खुदा के कलाम को बोल सकें, खुदा की बातों को अपने प्रिय लोगों में शेयर कर सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं अपनी छोटी बहन बहन जूली दत्त जी के लिए कि खुदा उनको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, जबकि वो प्रभु की सेवकाई में बहुतायत के साथ लगे हैं, लगी हैं और एक विशेष जिम्मेदारी भी उनके कांधों पर है जो एक मेडिकल सेवा की जिम्मेदारी है। सो परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे, व्यस्तम समय में से लगातार वो प्रभु के लिए काम कर रही हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे बहन। और छोटी बेटी जॉयस के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, उस बेटी पर प्रभु का बहुत अनुग्रह, बहुत आशीष और बहुत बरकत होने पर प्रभु का धन्यवाद देता हूं। उस नौजवान बेटी के जीवन के लिए कि प्रभु उसको अपनी पनाह में रखे, निगेबानी में रखे और बहुतायत से उसको इस्तेमाल करे, विशेषकर जबकि आज इन दोनों ने मुझे ये अवसर दिया कि आज जो विशेष दिन है 8/3/2021 हालेलुया। और ये विशेष दिन है मेरे प्रिय भाई बहनों और हम सब जानते हैं कि आज विशेष दिन है हैप्पी विमेंस डे हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे इस विशेष दिन पर यह अवसर मिला है कि मैं अपनी आदरणीय बहनों जो विमेंस डे जो है पूरे बड़े पूरे भारत में मनाया जा रहा है, पूरे संसार में मनाया जा रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर हमारी बहनों को इनविटेशन दिया जा रहा है और उनको आदर किया जा रहा है। और सच में परमेश्वर ने एक महिला को बनाया, एक स्त्री को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि जब आदम अकेला था तो उसकी साथी को उसको दिया। और सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये आदम को एक साथी दिया और इस बात को बताया कि तुम अकेले नहीं हो। हालेलुया। तो आइए इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में चले, खुदा की उन गहरी बातों को जाने कि हमारे जीवन में आज परमेश्वर इस विशेष दिन पर विमेंस डे पर परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहने जा रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो इस बात के लिए, इस अवसर के लिए। और सारी जो विमेंस हैं, जो मेरी बहनें हैं, सबको मैं सलाम बोलता हूं और उनको दिल से आदर देता हूं और धन्यवाद देता हूं उनके जीवन के लिए कि परमेश्वर ने उनको बहुत जिम्मेदारी दी है, एक परिवार की, समाज की और कई रूपों में वो रह करके इस संसार में अपनी सेवाओं को दे रही है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की पहले महिमा करें, उसके बाद खुदा के कलाम में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सबको जय मसीह की। तो आज के इस विशेष दिन में हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें
उसकी उन तमाम आशीषों के लिए जो जिसे गिनना बहुत ही असंभव है। हालेलुया। वो हर पल एक नई सांस से हमें आशीषित करता है, और यदि वो सांसें ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। yes. उसके आशीषों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, और इस आराधना में आप सब हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की बढ़ाई करें। और जैसा कि लिखा है पवित्र कलाम में, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 28 अध्याय के 8वें पद में, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हमें इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हमें इसी तरह से इसी अध्याय के 12वें पद में लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। Amen. और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने पिता की हम दो तारीफ में गीत गाएंगे, और ये गीत बहुत पुराना है, और हम सबको ये गीत आता है, और हम सब एक आवाज में अपने परमेश्वर की हम दो सना कर पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया, यस लॉर्ड। Yes, Lord. Thank you, Lord. आशीष तुझसे चाहते हैं, स्वर्ग पिता हम लाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, स्वर्ग पिता हम लाते हैं। पास आते हैं पिता, तेरी हर आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you.
आशीषों के देने वाले हमारे खुदावन प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा दयालु पिता परमेश्वर सच में खुदावन देशुर राजा आपकी हम जितनी भी बड़ाई करें पिता उतनी कम है खुदावन, क्योंकि पिता आपने हमसे इतना प्रेम किया खुदावन कि आप इस पृथ्वी पर हमारी खातिर हमारे गुनाहों से हमें नजात देने के लिए पिता आप इस पृथ्वी पर आ गए। हालेलुया। आपके इस प्रेम के लिए हम बहुत धन्यवाद देते पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस। और उस सलीबी मौत को खुदावंद आपने हमारे लिए सह लिया, उस दुख को हम याद करें मेरे अजीजो, कल्पना करें कि वो दुख कैसा दुख था, वो यातनाएं कैसी यातनाएं थी सिर्फ हमारे बाप के लिए। खुदावंद ईश्वर राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता आपके इस बड़े प्रेम के लिए, और आज भी पिता आप हमें अपनी बाहों को फैलाए हमें अपने पास बुला रहे हैं। हम सब अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पूरी रीति से अपने आप को अर्पित करें कि खुदावंद के उस सिंहासन के तले हम सब भाई बहन उस बड़े भीड़ में से निकलकर जो इस संसार के हाकिम के कब्जे में है अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे, अपने जीवन की प्रभुता अपने परिवार की प्रभुता परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, ताकि हम उस शैतान को अपने पैरों के तले कुचल दें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक और गीत को हम गाएंगे, और जैसा कि लिखा है यशाया की पुस्तक उसके 57 अध्याय के 15 पद में, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। Yes. कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारा पिता ही है कि जब हम दुखी होते हैं या हर्षित होते हैं तो पिता ही हमारे साथ निवास करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो एक और गीत को हम गाएंगे परमेश्वर की महिमा में। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। Hallelujah, praise the Lord, thank you Lord. Yes Lord. अपना
के माध्यम से नहीं, लेकिन रोजाना प्रतिदिन अपने जीवन के उस प्रतिदिन में जहां भी हम कार्य करते हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में रहते हैं, हम अपने जीवन में देख सकते हैं, अपने समाज में देख सकते हैं कि लोग क्रिसमस के बारे में, बड़े दिन के बारे में भली भांति जानते हैं कि बड़ा दिन क्या है। Oh, yes.
क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं और वो लोग भी क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन जो आने वाला वो दिन है उस उद्देश्य को वो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए। और ये ड्यूटी, ये कर्तव्य हमारा वो आपका बन जाता है मेरे प्रियो, उन्हें बताने का कि प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर देह धारण करके क्यों आए, क्योंकि वो इस बात को नहीं जानते। हमने उस दिन को, उस पुनरुत्थान दिवस को हमने लोगों को नहीं बताया। तो मेरे प्रियो, ये समय है कि हम प्रतिदिन जो जो लोग हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं, जो लोग नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, तो हमारे पास अवसर है, हमारी ड्यूटी है ये बताने के लिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर इस पृथ्वी पर 33.5 वर्ष तक क्यों रहा, उसने इतनी यातनाएं क्यों सही, उसने वो क्रूस का बड़ा बलिदान हमारी खातिर क्यों दे दिया। उस मंजर को आप याद रखें मेरे प्रियो। हम गीत के माध्यम से, संदेश के माध्यम से हम लोगों को खूब बता रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने जीवन में प्रतिदिन लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर इस पृथ्वी पर क्यों आया। तो आज के इस महिला दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, बड़े जोरों शोरों से एक दूसरे को सम्मान दिलाकर, लेकिन मेरे प्रियो, सम्मान के लायक तो केवल, सम्मान के योग्य तो हमारा पिता है जिसने हम सबको इस पृथ्वी पर रखा, और हमें महिलाओं को भी ये बराबर का दर्जा हमारे पिता ने दिया कि हम भी प्रभु के उस वचन को, प्रभु की इस गवाही को, इस जीवित गवाही को लोगों तक पहुंचा सके। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन की ओर बढ़े, आज के इस विशेष दिन में आज हमारा पिता अपने दास के मुख से आज हमारे लिए वो क्या बताने जा रहे हैं, हम अपने मनों को तैयार करें और पूरी रीति से एक चित होकर प्रभु के वचन को सुनने पाए। अपने हृदयों को तैयार करने के लिए एक प्रार्थना रूपी हम गीत को गाएंगे और आप सब भाई बहन भी मेरे साथ उस गीत को गाएं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, मुझे छू खुदावन मुझे छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरे जा को मेरे रुको मेरे बदन को छू, मेरे जा को मेरे रुको खुदावन मुझे छू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए, कि खुदा ने एक विशेष दिन पर, और वो विशेष दिन है महिला, विश्व महिला दिवस। हालेलुया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया कि हम आज की शाम इस विशेष दिन में, सच में ये बड़ा विशेष दिन है मेरे प्रियो मेरे अजीजों, अंतर्राष्ट्रीय विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हैप्पी विमेंस डे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका कि इस अवसर पे मुझ जैसे दास को बोलने का अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से अपनी आदरणीय छोटी बहन बहन जुड़ी दत्त जी के लिए और उनकी बेटी यानी हमारी छोटी बहन की बेटी जॉइस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये दोनों प्यारी बहनें खुदावंद की सेवकाई में लगे हैं और रोज बर रोज हम उनके पेज पर देखते हैं कि प्रभु उनके साथ मिलके काम कर रहा है। हालेलुया। और मैं देख रहा हूं कि प्रचार में पहले हमारी बहनें नहीं आती थी, बोलने में हिचकती थी, मेरी सर मेरी पत्नी भी नहीं बोलती थी, घबराती थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इन लोगों पर हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह जब हुआ और जब परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है तो क्या होता है, सोते फूट पड़ते। हालेलुया। क्या होता है, सोते फूट पड़ते हैं। और सच में अब मैं ये देख रहा हूं कि हमारी बहने बहुत आयत से प्रभु की सेवकाई में लगे। हमारे भाई लोग पीछे रह गए लेकिन हमारी बहने हम सब भाइयों से आगे चल रही। मैं धन्यवाद देता हूं हर एक बहन के जीवन के लिए कि खुदावन उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जितनी भी मेरी प्यारी बहने इस समय मेरे साथ इस यहोवा हमारी धार्मिकता पेज पर जितने बहन लोग भाई लोग जुड़े हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और अब हम जब वचन में जाएंगे तो अपने समर्पण करना बहुत जरूरी है हमें परमेश्वर के सम्मुख। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने 8 मार्च 2021 को अपने दास अनुपम डेविड को, उनकी पत्नी शबनम डेविड को, बहन जूली दत्त जी के पेज यहोवा हमारी धार्मिकता मिनिस्ट्री पर बोलने का अवसर दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं। सच में प्रभु मैं इस काबिल तो नहीं, और लेकिन आप भरपूरी से अपने बेटे और अपनी बेटियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं विमेंस डे के लिए। सच में प्रभु विमेंस डे के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु सबको, सब बहनों को परमेश्वर आप बहुत आशीष दीजिए क्योंकि उनकी जिंदगी, उनकी जो जिंदगी है प्रभु, बहुत कुछ सीखते हम उनके द्वारा और बहुत सी जिम्मेदारियां परमेश्वर आपने उनको सौंपी है। तो हमारी सब प्रिय बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय इस पेज को देख रहे हैं, यह हुआ हमारी धार्मिकता पेज को, और उसके बाद जब देखेंगे, प्रभु सबको बहुत आशीष दे और ये वचन हम सबको आशीषित करने पाए। हालेलुया। प्रभु मुझे आपने अपने प्रचार के लिए खड़ा किया, प्रभु मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। केवल आदर के योग्य पिताजी आप ही हैं, आप ही मेरे पिता आदर के योग्य और कोई नहीं दुनिया में, क्योंकि आप आदर के योग्य मेरे पिता, क्योंकि आपने मानव जाति से प्रेम किया, मानव जाति से, किसी चुनी हुई एक जाति से नहीं, मानव जाति से प्रेम किया आपने, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज संसार में आए स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के जो आपकी चौकी है पृथ्वी, इस पर आए और आप इस, आपने
हमारे गुनाहों की खातिर अपने प्राणों को त्याग दिया, बलिदान दिया और उसके बाद मृत्यु पर विजय प्राप्त करके प्रभु आप स्वर्ग में प्रभु जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, पूरे समय को प्रभु आपके चरणों में लाते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राधे के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बड़ा उत्साहित हूं सच में कि एक विशेष दिन में मुझे ये अवसर मिला कि मैं इस पेज पर इस विशेष दिन में बोल सकूं, क्योंकि मेरे प्रियो मेरे अजीजों, जो प्रभु परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया, सब कुछ बना के तैयार कर दिया और आदम को भी दे दिया और आदम को भी उस वाटिका में रख दिया, तो क्या देखा, क्या देखा कि वाटिका इतनी सुंदर है, सारी चीजें उत्तम हैं इसमें और मैंने इसको आदम को भी बना के खड़ा कर दिया, लेकिन ये अकेला है, क्या करूं। और मेरे प्रियो खुदा ने इस बात को समझा, क्या समझा, कि मनुष्य का अकेला रहना उत्तम नहीं, आदम का अकेला रहना उत्तम नहीं, और उसने उसकी हड्डी में की हड्डी और उसके मांस के में से मांस निकाल कर स्त्री का निर्माण कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, बड़ी खूबसूरत बात कि वो मनुष्य, वो आदम जो अकेला था अब तक, सब कुछ होने के बाद वो अकेला था और सारी चीजें बड़ी अधूरी सी महसूस हो रही थी और परमेश्वर को लगा कि इसका साथ होना चाहिए, हालेलुया। और खुदा ने एक स्त्री का, जो आदम थी, हवा थी, उसका निर्माण कर दिया और नर और नारी कह के उनका संबोधन किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, आज मैं उस विशेष बात पे, जबकि एक विशेष दिन है कि महिला दिवस का, और जब एक परिवार का निर्माण होता है तो उस परिवार के अंदर महिलाओं का क्या रोल होता है, क्या जिम्मेदारी होती है, क्या उनकी भूमिका होती है, जो हमारा आज का टाइटल है कि परिवार में महिलाओं की क्या भूमिका है। मेरे प्रियो, परिवार की, घर की वो एक धुरी है जिस पर पूरा घर घूमता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो जानिए मैं क्या कहना चाहता हूं, सच में वो परिवार की एक धुरी है जिस पर पूरा परिवार घूम रहा है। मेरे प्रियो, हम सब इस आधुनिक युग में जानते हैं कि एक परिवार में महिला के, यानी स्त्री की क्या भूमिका है, कैसी भूमिका होती है उसकी, क्योंकि एक महिला परिवार में कभी तो क्या है, बेटी है, पत्नी है, बेटी है, माँ है, चाची है, सास है, नानी है, दादी है, कितनी भूमिकाओं में है मेरे प्रियो, हालेलुया। एक ही महिला कितनी भूमिकाओं में है, उसके संसार में कितने अलग अलग रोल हैं जो वो निभाती है। मेरे प्रियो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं वचन से ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ। और मेरे प्रियो, किसी भी जो परिवार है, सबसे पहले एक महिला किसी परिवार की क्या होती है, एक बेटी होती है, हालेलुया, बहन या दीदी, जो भी हम उसे कह सकते हैं, संबोधन कर सकते हैं। परंतु विवाह के बाद उसका एक अलग परिवार हो जाता है, प्रेज द लॉर्ड, क्या हो जाता है, उसका एक अलग परिवार हो जाता है।
और वो किसी विशेष व्यक्ति की पत्नी बनकर नए घर में बहू की भूमिका में जाती है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खुशी की बात कि वो एक नए घर में एक विशेष व्यक्ति के साथ जुड़ी जाती है प्रभु की अगुवाई में और वो वहां जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रेणुका सिस्टर प्रभु आपको बहुत आशीष दे। भाई रियाज अहमद प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। और मेरे प्रियो जब वो नए घर में जाती है तो क्या होता है कि नए परिवार में माँ बाप जब वो घर में होती है अपने तो माँ बाप होते हैं, जब वो घर से बाहर जाती है यानी बहू बनती है और बहू बन के जब वो जाती है परिवार में एक नए में तो वहां माँ बाप की जगह उसको कौन मिलते हैं? सास और ससुर मिलते हैं। हालेलुया। और बहन भाई के बदले कौन मिलते हैं? देवर और नंद मिलते। अपने घर से जब वो आती है तो जब वो अपने नए घर में आती है पत्नी बन करके तो वहां पर मेरे प्रियो एक माहौल नया होता है और वो बदला हुआ माहौल होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो वो माहौल बदला होता है और ये माहौल जो होता है यानी जो वातावरण माहौल से मेरा मतलब वातावरण से जो वातावरण होता है बिल्कुल उसके घर से अलग वातावरण होता है। नया घर होता है, माता पिता जी की जगह सास ससुर होते हैं और जो उसके छोटे भाई बहन होते हैं या बड़े भाई बहन होते हैं उनकी जगह उसको देवर जेठ नंदोई या अलग अलग एक नए रिश्ते उसको मिल जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक पत्नी के रूप में महिला की भूमिका और उत्तरदायित्व क्या है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों बड़े गौर से सुनेंगे कि एक पत्नी के रूप में एक महिला का क्या उत्तरदायित्व, उसकी क्या भूमिका है। क्योंकि मेरे प्रियो जब शादी होती है और शादी होने के बाद जब वो नए घर में जाती है तो माहौल बिल्कुल नया होता है, वातावरण बिल्कुल नया होता है। नीति वचन मेरे साथ निकालेंगे 31 और उसके 10 पद से लेकर 31 पद में सारा विवरण दिया है, एक एक करके हम उसमें चलते चलेंगे। ठीक है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं आज का वचन मेरे लिए, प्रेज द लॉर्ड, और आज का वचन आप सबकी बहनों के लिए, आप सब बहनों के लिए भी है और भाइयों के लिए भी है। क्योंकि पति और पत्नी की बहुत सी मेरे प्रियो जिम्मेदारी है परिवार के अंदर। हालेलुया। महिला की तो है, बहन की तो है, पत्नी की तो है, पर साथ में पुरुष की भी जिम्मेदारी है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो आज का वचन मेरे लिए है और वचन जैसा मुझे चाहता है वैसा मैं बनना चाहता हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो नीति वचन 31 उसका 10 अध्याय से 31 पद में लिखा है, एक भली एवं आदर्श पत्नी की भूमिका को बहुत सुंदर ढंग से वहां पर उसका चरित्रण किया गया। हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शबनम डेविड आपको प्रभु बहुत आशीष दे। जब आप वचन डालती हैं संग में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि साथ में वचन चलता है तो लोगों को पता लगता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर बड़ा सुंदर ढंग से चरित्रण किया गया है मेरे प्रियो। संपूर्ण पूरे धर्मशास्त्र में पूरी बाइबल के अंदर में प्रियो यही एक ऐसा अध्याय है जहां बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परिवार में एक पत्नी की, एक मां की क्या भूमिका है, उसे उसे
कैसा होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन लेमुएल राजा की मां के हैं द्वारा दी गई शिक्षा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये मां कितनी अनुभवी है, वो अपने बेटे को राज्य चलाने की शिक्षा दे रही है। प्रेज द लॉर्ड। साथ ही एक अच्छी पत्नी के गुण और स्वभाव के बारे में भी वो चर्चा कर रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भली पत्नी की तुलना मेरे प्रियो मुंगों से की गई है। प्रेज द लॉर्ड, मुंगों से की गई है। क्यों? हालेलुया, ये भी एक सवाल है, क्यों की गई है? अच्छे मुंगों से, उत्तम मुंगों से। उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? विश्वास है, हालेलुया। और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में अर्थात दुख सुख घटी कमी में रोग में पीड़ा में सब परिस्थिति में अपने पति से भला व्यवहार करती है, हालेलुया। अगर हमारी पत्नी, हमारी जीवन संगनी, हमारे साथी जो परमेश्वर ने हमें दी है मेरे प्रियो, वो क्या है, उसके पति के मन में, यहाँ पर पति का, मैंने कहा था ना शुरू में पति पत्नी दोनों की बातें हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि पत्नी पत्नी की बात है। पति के मन में उसके प्रति क्या विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं, क्योंकि अपने जीवन के सारे दिनों में अर्थात दुख सुख कमी घटी रोगों में पीड़ा आदि में वो अपने पति से भला व्यवहार करती, हालेलुया। अगर आपकी पत्नी, आप अपनी पत्नी पर मेरे प्रियो विश्वास करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, मेरे आपस के वातावरण को मैं पहचानता हूं मेरे प्रियो, जहां हम कार्य करते हैं, जहां पर संसार में हम देखते हैं पति पत्नियों के अंदर विश्वास नहीं है, हालेलुया। मेरे प्रियो विश्वास नहीं है पति पत्नियों और पति और पत्नी के बीच में, एक दूसरे के बीच में, दोनों में अविश्वास है। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि अगर पति अपनी पत्नी पर विश्वास करता है तो उसकी कोई घटी कमी घटी नहीं है। अगर उसकी पत्नी उसके साथ दुख में, उसकी कमी घटी में, रोगों में, आज क्या है अगर पति की जेब खाली है, पति के पास पैसा नहीं है, तो मेरे प्रियो पत्नी की नजर में उस पति की कोई कदर नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो जो खुदा से डरने वाली, खुदा की ओर से जिन पत्नियों का चुनाव किया जाता है, जो पत्नी अब पत्नियां जो खुदा की तरफ से मनुष्य को दी जाती हैं नियोजित तरीके से, वो ऐसी बातें नहीं सोचती, हालेलुया। उनके पति उन पर विश्वास करते। लेकिन आज के वातावरण में हम देखते हैं कि पति पत्नी के अंदर विश्वास नहीं, बातें नहीं, उनकी उनके अंदर सिर्फ एक संबंध है कि वो पति पत्नी है, बस इतना है। और मेरे प्रियो हालत खराब है, जरा सी विपरीत हालात पति के हुए और पत्नियों ने मुंह मोड़ लिया। जानिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, आज यही हालत है संसार में, पत्नियां पति की परवाह नहीं कर रही, नहीं चिंता कर रही। क्यों नहीं कर रही? अरे वो अब किसी काम का नहीं, क्योंकि उसके जेब में पैसा नहीं, वो सारी चीजें मुहैया नहीं करा रहा। इस कारण से उस पति की उनकी नजर में कोई इज्जत नहीं। लेकिन मेरे प्रियो जो खुदा की तरफ से नियोजित है पत्नी, जो खुदा से डरती है, भय मानती है खुदा का, खुदा पर विश्वास करती है, वो पत्नी कभी भी अपने पति के साथ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती, हालेलुया। समय की मेरे पास पाबंदी है मेरे प्रियो, इसलिए मैं देख रहा हूं मेरे पास, लेकिन मैं जितनी कोशिश कर सकता हूं कि सारे समय में मैं निपटाऊं उसको, हालेलुया। पूरा वचन आपके साथ शेयर करूं जो कुछ भी है। नीति वचन 31:23 कहता है, जब उसका पति सभा में देश के पुरानियों के साथ बैठता है तब उसका सम्मान होता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, जब उस पत्नी का जो प्रभु की तरफ से नियोजित है, प्रिय पत्नी एक अच्छी पत्नी है, क्या है,
वो जब उसका पति किसी अच्छे स्थान पर बैठता है तो उसका भी आदर होता है। ऐसा नहीं, अगर पति का आदर हो रहा तो पत्नी का आदर नहीं होगा, होगा 100%। और वो कहता है पुरानी हो तब उसका सम्मान होता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपने पति के समाज में नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर अगर आपकी पत्नी आपके निर्णय लेने में आपकी सहायता करती है, मेरे प्रियो धन्यवाद है, परमेश्वर का धन्य, आप धन्य लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा, आप गलत मत समझिए, क्योंकि लोगों का आज सोचना ये है कि पत्नी से बात नहीं करनी, वो इस लायक नहीं कि हम उससे कहें, उससे पूछे, उससे कोई बात कह रहे। जो डिसीजन हमारा है वो हमारा डिसीजन है, पत्नी का कोई डिसीजन नहीं है। बस वो घर में रहे, खाना बनाए, बच्चे पैदा करे, बस इसकी उसकी थी भूमिका। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप की पत्नी आपका प्रोत्साहित करती है, आपका नेतृत्व करती है परमेश्वर में, परमेश्वर की बातों में, अगर परमेश्वर से वो भय रखती है, परमेश्वर से प्रेम करने वाली पत्नी है, 100% वो एक अच्छी पत्नी है, अच्छी बातों को सिखाएगी, अच्छी बातों में आपका सहयोग करेगी। ऐसा नहीं है कि हनन्या और सबीरा की तरह कि चलो वो पैसा मार दो, कौन सा पत्रस को पता है। लेकिन वो ये भूल गए कि पत्रस को पवित्र, पत्रस से वो धोखा नहीं कर रहे थे, वो परमेश्वर से धोखा कर रहे थे और वो पवित्र आत्मा से धोखा दे रहे थे पवित्र आत्मा को। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, जानिए अगर आपकी पत्नी आपके साथ प्रभु के कामों में शेयर कर रही है, आपके साथ हर एक छोटी बड़ी बातों में आपके साथ खड़ी है, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको एक उत्तम पत्नी मिली है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर पत्नी का सम्मान होगा तो पति का भी सम्मान होगा, और अगर पत्नी की बेइज्जती होगी तो मेरे प्रियो पति की भी बेइज्जती होगी। तो इसलिए खुदा का कलाम नीति वचन 31:23 में लिखा है कि जब उसका पति सभा में पुरानियों के साथ बैठता है, यानी ऊंचे स्थानों पर बैठता है, तो क्या होता है, हालेलुया, उसका भी सम्मान होता है, प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 19:14 क्या कहता है, घर में घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहनों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आप प्रभु की अगुवाई में चलें, प्रभु के रहम में चलें और प्रभु के दर्शन लेकर चलें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है और उन भाइयों को जिन्हें एक अच्छी पत्नी मिलती है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। नीति वचन 19:14 कहता है घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु घर और भाग, घर और धन, घर भी और धन भी पुरखाओं के भाग से मिलता है, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहनों, अक्सर हम सुनते हैं कि जितने पुरुष जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं उनकी पत्नियों का हाथ होता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज के वातावरण में हम देख रहे हैं क्या है, आज के वातावरण में मेरे प्रियो हम देख रहे हैं कि पति पत्नियों में आपस में प्रेम नहीं, उनका पैसा, अगर वो दोनों नौकरी करते हैं तो हालात मेरे प्रियो ये हैं। मैं जानता हूं पति पत्नियों को, मैं ऐसे ही आपको नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जो मैं जानता हूं उसी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जब दूसरों की सुनी हुई बातों को नहीं बल्कि अपने सामने देखी हुई बातों को मैं बताने पर ज्यादा विश्वास करता हूं, मेरे प्रिय भाई बहनों। और मैं जानता हूं उन परिवारों को कि उनके घरों में आशीष नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों का अलग अलग पैसा है, प्रेज द लॉर्ड। क्या हालात है, हमारे हालात ये है कि मेरा पैसा है और ये तुम्हारा पैसा है, नहीं, हम दोनों का पैसा अलग रहेगा, भाई मैं ये खर्चा करूंगी और तुम ये खर्चा करोगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब वायदा किया खुदा के दरवाजे पर, खुदा की पवित्र हैकल में,
कि तेरा दुनियावी सामान, दुनियावी माल और मेरा दुनियावी माल तेरा है और तेरा मेरा है। और यहां पर तो तेरा मेरा ये हो गया मेरे प्रिय कि तेरा माल अलग है मेरा माल अलग है, ये हालात है। हम जानते हैं, हम देख रहे हैं इन बातों को, संसार में ऐसा है। हमारे साथ काम करने वाले लोगों की यही हालत है मेरे प्रियो। प्रेस दो यूनिवर्स सिस्टर प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया, आपकी जो ब्लेसिंग है मैं उन्हें रिसीव करता हूं, रिसीव करता हूं। हालेलुया। और खुदा का कलाम बता रहा है मेरे प्रियो कि उनके पीछे कहीं ना कहीं पत्नियों का हाथ होता है। और भली पत्नी के तीन विशेष गुण हैं। हालेलुया, क्या विशेष गुण है वो देखेंगे। सक्षम पत्नी, कैपेबल वाइफ। गुणों से दूसरा है गुणों से भरपूर पत्नी, क्वालिफाइड वाइफ। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात, वरदानों से पूर्ण पत्नी, गिफ्टेड वाइफ। हालेलुया मेरे प्रियो, भली पत्नी के तीन विशेष गुण मैंने आपके साथ शेयर किए। सक्षम पत्नी, आज तक हम लोग ये सोचते हैं, हमारे बहुत से भाई हैं, बहुत से लोग हैं ये सोचते हैं, अरे पत्नी तो सक्षम नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आपके बराबर एजुकेशन है उसकी, बराबर आपके साथ सर्विस कर रही है। परंतु हम उसके साथ उसको ये सोचते हैं कि वो सक्षम नहीं है। हालेलुया, वो बेकार है। उनको भेज देना, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, वहां पर हम देखते हैं कि वो पत्नी को वो स्थान नहीं दे रहे, जबकि पत्नी पूरी कैपेबल है, वाइफ उसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कह रहे अरे क्या बताएंगी वो यार, उनको इतना अनुभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके बराबर पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, सब कुछ है, फिर ऐसा क्यों सोचते हैं आप कि वो कैपेबल नहीं है? मेरे प्रियो, वो आपसे ज्यादा कैपेबल है, इसलिए कैपेबल है कि वो आपके परिवार में आपकी धुरी है। जान लीजिए, वो आपके साथ खड़ी है आपके दुख में, बीमारी में, परेशानी में। परमेश्वर कह रहा है वचन में अपने कि अगर आपकी पत्नी ऐसी है कि आपके दुख, बीमारी, कमजोरी, कमजोरी हालात में आपके साथ खड़ी है, प्रभु का धन्यवाद हो। आशीषित है ऐसी बहनें जो अपने पति, जिनके पति उन पर ऐसा विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सक्षम है पत्नियां। अरे घर का निर्णय आप दोनों मिलके लीजिए, देखिए प्रभु उस घर को बहुत आशीषित करेगा। अगर आप अकेले डिसीजन लेंगे बहुत से डिसीजन गलत हो जाएंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर को सम्मुख रखेंगे और दोनों मिलकर के प्रार्थना के साथ कोई निर्णय लेंगे, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको जवाब देगा। हालेलुया मेरे प्रिय, जवाब देगा 100%, और आपको सफल करेगा आपके फैसलों में। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आपकी पत्नी सक्षम है, प्रभु ने आपके बराबर से उसको जोड़ा है, सारी बराबर लेवल है, सारा लेवल बराबर, वो आपसे ज्यादा काम करती है, वो परिवार भी संभाल रही है और बाहर की नौकरी भी संभाल रही है। प्रेज द लॉर्ड। और बच्चों को भी देख रही है, उनकी पढ़ाई को भी देख रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुणों से भरपूर क्वालिफाइड वाइफ। और हम और गुणों को कहीं और से नहीं जांच रहे मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में से जांच रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम हमको बता रहा है जो गुणों से क्वालिफाइड वाइफ, गुणों से भरपूर आनंदित, जिसमें अच्छे गुण हैं, खुदा के कलाम को पढ़ना, बताना, समझाना, परिवार के लिए अच्छी अच्छी योजनाओं को तैयार करना, ऐसी क्वालिफाइड वाइफ अगर आपको मिली है, परमेश्वर ने दिया है, तो खुदा आपको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। सच में, हालेलुया, देखिए आप, वो आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको आपसे जोड़ा है, और परमेश्वर की अगुवाई में आप दोनों चलेंगे तो परमेश्वर सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। गिफ्टेड वाइफ,
वरदानों से परिपूर्ण। मेरे प्रियो, वरदानों से परिपूर्ण गिफ्टेड वाइफ जो होगी, यानी खुदा ने उसको बहुत से टैलेंट दिए, लेकिन पुरुष इन बातों पर ध्यान नहीं देते जब वो घर में रहती है। मेरे प्रियो, उनमें बहुत टैलेंट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन बहनों को आशीष दे। नंबर एक बात को हम देखेंगे, हालेलुया, क्या देखेंगे? विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने पहले भी शेयर किया, विश्वास, हालेलुया, विश्वास। मेरे प्रियो, परिवार में पति पत्नी के बीच में विश्वास का होना बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बड़ी चीज है, एक दूसरे के प्रति विश्वास। आज हम पेपर उठा के देखते हैं, आज हम देखते हैं क्या हालात है। पति पत्नी ने पत्नी का मर्डर कर दिया, क्या? अविश्वास के कारण, अविश्वास के कारण। उन्हें शक होने लगा कि वो किसी और आदमी के साथ उसका प्रेम संबंध चल रहा है, लेकिन मेरे प्रियो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अविश्वास था वहां। शैतान उनके बीच में उसने अविश्वास डाल दिया, और आज शैतान भरपूरी के साथ दुनिया में काम कर रहा है। मेरे प्रियो, दुनिया में काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है दुनिया में? कि पति पत्नी के बीच में अविश्वास डाल देता है, और जब इसके विपरीत हम देखते हैं कि जब दिल के अंदर एक दूसरे के प्रति संदेह आ जाता, यानी अविश्वास आ जाता है, तो क्या होता है मेरे प्रियो? वो जिंदगी इतनी भारी हो जाती है कि दोनों अपनी जिंदगी को साथ नहीं काट पाते, डाइवोर्स हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, बड़ा दुख होता है कि खुदा ने जिसे जोड़ा है, संसार के लोग, शैतान ने उसे तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने शैतान को अपने बीच में डाला। हालेलुया। दूसरी बात, आदर्श पत्नी का व्यवहार सुंदर होना चाहिए। नीति वचन 31 उसका 12 पद, प्रेज द लॉर्ड। वह अपने जीवन के सारे दिनों में पति के प्रति बुरा नहीं भलाई व्यवहार करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी पत्नी आपके साथ सारे जीवन में बुरा नहीं पर भला व्यवहार करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी बहन ऐसी नहीं होगी जो अपने पति के साथ बुरा व्यवहार करे, लेकिन पुरुष अपने जीवन में ऐसी बातों को खड़ी कर देते हैं जिनके कारण से टकराव होने लगता है। हालेलुया। तीसरी बात, सभी बातों में पति का साथ देने वाली होती है, और वो बच्चों की परवरिश में, शिक्षा देने में, और उन्हें अच्छा बनाने में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाती है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने शेयर किया कि एक पत्नी जो एक अच्छी पत्नी है, वो अपने पति के साथ मिलकर सारे कामों में और पूरे घर की जिम्मेदारी को निभाती है, और परमेश्वर के अगुवाई में होते हुए बच्चों की परवरिश करती है, शिक्षा देने में, उन्हें अच्छा बनाने में पूरी जिम्मेदारी देती है। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, वो परिश्रमी होती है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। हालेलुया। कितनी मेहनत करती है वो, घर की बहुत सी जिम्मेदारियों को, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत सी घर की जिम्मेदारियों को निभाती है, और प्रसन्नता के साथ हर काम को पूरा करती है। प्रेज द लॉर्ड। चिड़के नहीं, गुस्से में नहीं, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ। प्रेज द लॉर्ड। जितनी बहनें जुड़ रही है, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ये आज का वचन हम सब बहन भाइयों के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो आनंद के साथ इस काम को पूरा करती है। दुखी होकर नहीं, अरे यार कपड़े धोने, अरे ये काम करना, अरे ये काम करना है, नहीं। जो प्रभु की मानने वाली दासी बहन है, वो आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ अपने काम को पूरा करती है, और पूरे मन से अपने परिवार की क्या करती है? चिंता करती है। प्रेज द लॉर्ड। चिंता करती है छोटी छोटी बातों की। पुरुष तो छोड़ देते, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन जो घर की
माँ है, जो पत्नी है, वो पूरी तरीके से चिंतित रहती है अपने परिवार के प्रति और सभी जरूरतों की पूर्ति के लिए दिन रात मेहनत करती है। आने वाले संकटों से, जोखिमों से नहीं डरती और दृढ़ता से उसका सामना करती है। और सबसे बड़ी बात, आलस को अपने पास नहीं आने देती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फर्स्ट शिवा नीति वचन 31:26-27 पद क्या कहता है? वो बुद्धिमान होती है, प्रेज द लॉर्ड, ये बुद्धि की बातें सोचती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छी पत्नी, एक बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? वो अपने परिवार के लोगों के चाल चलन को ध्यान से देखती है। सक्सेस, आदमी ने ज्यादा गड़बड़ करी, लाइन से भटका किधर उधर, बुद्धिमान स्त्री को समझ में आ जाता। बच्चे ट्रैक से चेंज हुए, समझ में आ गया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर जुलीदत जी, यह अवसर दिया आपने मुझे कि मैं आज के इस विशेष दिन पे बोल पा रहा हूं। प्रभु की आशीष, प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और वो अपने घर के चाल चलन को ध्यान से देखती है। हालेलुया, एक अच्छी स्त्री, एक अच्छी महिला अपने घर में अपने परिवार के लोगों के चाल चलन को जानती है कि वो कैसे चल रहे हैं, अर्थात अपने पति और बच्चों को ईश्वर के डर और भय में आगे बढ़ाती है। माँ का एक बड़ा रोल है मेरे प्रियो, एक पत्नी का बड़ा रोल है कि अगर पति प्रार्थना में नहीं है, प्रार्थना में जीवन नहीं है, बिब्लिकल जीवन नहीं है, तो वो उसके जीवन को बदले और अपने जीवन द्वारा सिखाए। हालेलुया, अपने बच्चों को परमेश्वर की बातों को बताए, वचन को पढ़ना सिखाए। हालेलुया, एक छोटी सी गवाही अपनी दे देता हूं मेरे प्रियो, मैं छोटी छोटी गवाहियों को इसलिए शेयर करता हूं, बहुत बड़ी गवाही की आवश्यकता नहीं। जब हमारा विवाह हुआ और विवाह के समय जब मेरी पत्नी मेरे घर आई तो क्या हुआ, कभी हम लोग, मैं जल्दी सो जाता था तो वो उठाकर प्रार्थना के लिए बोलते, प्रार्थना करनी है परिवार के साथ मिलके, प्रेज द लॉर्ड, और पूरा परिवार मिलके प्रार्थना करता था। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का। एक उत्तम पत्नी में ये गुण होने चाहिए मेरे प्रियो, जो उठाए प्रार्थना करे, वचन के साथ सोए और वचन के साथ उठे प्रभु का नाम लेते हुए, प्रेज द लॉर्ड। क्या बहने बिस्तर पर प्रार्थना करती सुबह उठते वक्त? क्या भाई लोग प्रार्थना करते हैं बिस्तर पर सुबह उठते? प्रेज द लॉर्ड, अगर करते हैं तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। छठी बात, वो परमेश्वर का भय मानती है। जो परमेश्वर की दासी है, प्रभु की दासियां हैं, वो प्रेज द लॉर्ड, वो क्या कहती है? परमेश्वर का भय मानती है। एक पत्नी के रूप में हर एक महिला को ये सोचना है कि ईश्वर उसे संसार में क्यों भेजा है, प्रेज द लॉर्ड। अगर ये बात आप बहनें जानती हैं कि परमेश्वर ने आपको क्यों भेजा है, तो जान जाएंगी आप कि परमेश्वर की क्या योजना है आप। हालेलुया, परमेश्वर का भय मानिए, आपका परिवार सफलता में आगे बढ़ता जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भय मानिए, आपका परिवार उत्तम रीति से चलेगा, कोई रुकावट कोई परेशानी आ ही नहीं सकती, प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 30 उसका 8 पद और नीति वचन 31 और 30 को पढ़ लें ध्यान से कि खुदा का कलाम क्या फरमा रहा है। नीति वचन 30 और 8 और नीति वचन 31 और 30, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में जीवन व्यतीत करती एक भली पत्नी का जीवन हन्ना के समान प्रार्थना में होना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। कैसा होना चाहिए? हन्ना के समान, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सैमुएल उसका 1 अध्याय 11 पद को हमने लिखा है सब। आज प्रत्येक परिवार में अलग अलग समस्याएं,
एक पत्नी होने के नाते पत्नियों की बहनों की क्या जिम्मेदारी है? क्या आप अपनी समस्याओं को कहां ले जाए? मनुष्य के पास? किसके पास? मनुष्य पास या पति के पास? अरे स्वर्ग के पिता के पास लेके जाना, प्रेस द लॉर्ड। किसके पास लेके जाना? परमेश्वर के सम्मुख। देखिए मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर सारे रास्ते खोल देगा, प्रेस द लॉर्ड, सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। विश्वास से कह रहा हूं मैं आपके साथ, हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड। समय हो रहा है, लेकिन मुझे कहना है प्रत्येक परिवारों में अलग अलग समस्याएं, पत्नी होने के नाते जिम्मेदारी है कि साथ सारी समस्याओं को परमेश्वर के पास लेके जाएं, और मेरा खुदा और आपका खुदा इन सब चीजों को पूरी करेगा, प्रेस द लॉर्ड। एक बहू के रूप में महिला की भूमिका और उसका उत्तरदायित्व, रूथ की किताब उसका एक अध्याय, रूथ एक अध्याय 16-17 पद क्या कहता है, प्रेस द लॉर्ड। क्योंकि जिधर जिधर तू जाए उधर उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके मैं वहां टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोगों में, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, प्रेस द लॉर्ड। रूथ ने क्या कहा? हालेलुया, हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड। क्या कहा? कि जहां जहां तू जाएगी वहां वहां मैं तेरे पीछे जाऊं, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे। क्योंकि उसका विवाह हो गया था, पति भले ही मर गया था लेकिन वो अपनी सास के साथ रहती थी, प्रेस द लॉर्ड। और कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, प्रेस द लॉर्ड। रूथ ने अपने पति के मरने के बाद भी अपनी सास और नौमी को अकेला नहीं छोड़ा, और वो अंत तक उसके साथ साथ बनी रही और उसकी आज्ञाओं को मानती रही, और इसी कारण उसका उजड़ा हुआ परिवार कैसा हो गया मेरे प्रियो, फिर बस गया और उसे अपार आशीष मिली, प्रेज द लॉर्ड, अपार आशीष मिली। बोआज ने उसे विवाह लिया, ब्याह लिया, और अंत में उसे ओबेद नाम का एक बेटा हुआ, ओबेद से यिशै और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ, और इसी दाऊद के वंश से हालेलुया हमारा प्रभु यीशु मसीह हुआ, प्रेज द लॉर्ड। कैसे वंशावली चल रही देखिए, प्रभु की योजना देखिए। ओ उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, और यहां नई दुल्हन क्या कहती है आके, ऐसा है सुनो जी, अलग रहेंगे, साथ नहीं रहते परिवार के साथ, हम तो अलग रहेंगे, हम तो अलग रहना है, हम नहीं रहते इन सबके साथ। अरे मैंने तुमसे शादी करी है कि पूरे खानदान से शादी करी है? आज ये हिसाब है मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, मेरे आशीष हो, एक बहू की बड़ी विशेष भूमिका है, प्रेज द लॉर्ड। एक सास के रूप में महिला का उत्तरदायित्व क्या है, वो नौमी के समान एक आदर्श सास बने। और यहां सासों के लिए भी एक नियम आ रहा है मेरे प्रियो, एक मां के रूप में महिला की भूमिका क्या है, परिवार में एक पत्नी का मां बनना जीवन के सबसे बड़ा सुख का अनुभव होता है, प्रेज द लॉर्ड। एलकाना की पत्नी हन्ना के जीवन को, हन्ना के जीवन को हम देखें, सैमुएल की पुस्तक उसका एक अध्याय 27-28 पद में सारी चीजें लिखी है, प्रेज द लॉर्ड। बच्चों में मसीही संस्कार हमें डालने हैं, क्या हम मसीही संस्कार डाल रहे हैं? क्या हमारे घर में दुआएं होती हैं? क्या हम संडे को चर्च जाते हैं प्रभु के दिन में? क्या हमारे घर में कलाम पढ़ा जाता है? क्या हम बच्चों को कलाम पढ़ना सिखाते हैं? अगर सिखाते हैं तो प्रभु की आशीष आपको मिले, और नहीं करते तो जान लीजिए कि घर का सत्यानाश होने जा रहा है। बच्चों में नीति वचन उसका 22:6 बताता है, और इफिसियों 6:4, नीति वचन 22:6, इफिसियों 6:4, प्रेज द लॉर्ड। सच बोलने की आदत डालिए, हम तो झूठ बोलने की आदत डालते हैं, क्योंकि हमारी तो खुद ही झूठ बोलने की आदत है, इसलिए हम झूठ बोलते हैं, और बच्चों में भी वही झूठ की प्रवृत्ति डालते हैं, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सच बोलने की आदत डालनी है, प्रार्थना करने की आदत डालनी है, बाइबल का अध्ययन करने की आदत डालनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नियमित
जीवन जीने की आदत डालना है हमको। कैसे? नियमित, यानी नियम के अनुसार कैसे चलना है, नियमित जीवन, ये नहीं कि कुछ भी चल रहा है अरे ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ऐसा नहीं। पूरा दादी और नानी के रूप में उसकी क्या भूमिका। दूसरा तिमोथियस 1:5 कहता है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ कि तुझ में भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा तिमोथियस 1:5 मेरे प्रियो, अनुशासन, आत्मिकता, कैसे हमें बोलना है, कैसा हमारे अंदर साहस है, प्रत्येक स्त्री के महत्वपूर्ण गुण है। परिवार में अनेक प्रकार की कठिनाई आती है, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन कैसे उनको निकलना उन परीक्षाओं से और तकलीफों से, ये परमेश्वर के दर्शन में होते हुए चलना है। किसी न किसी रूप में विपत्ति आ सकती है, इससे लड़ने के लिए साहस जरूरी है। नीति वचन 24:10 कहता है, बता रहा हूं मैं, नीति वचन उसका 24 और उसका 10 कहता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। ये साहस कहां से मिलेगा? परमेश्वर पर विश्वास कर और भरोसा करने से। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर पर भरोसा करने से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने समय काफी ले लिया, खुदा ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस विशेष दिन पर बोल सका परमेश्वर के वचन को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए, विशेषकर प्रभु जी खुदावन आपने हमें जो प्यारी बहनें दी हैं संसार भर में, माएँ दी हैं, बहनें दी हैं, बेटियाँ दी हैं, नानी और दादियाँ दी हैं, इन सब के लिए खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ इन सबको आशीषित किया है आपने। बहुत सी जिम्मेदारियां दी हैं प्रभु, सब बहनों को आशीष दे, बरकत दे प्रभु, और अपनी पनाहों निगेबानी में रखे। खुदावन जो जिम्मेदारियां आपने शुरुआत से दी हैं वो अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक निभाती चली जाएं, और विशेषकर आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी योजना में और आपके विश्वास में बढ़ के इस जीवन को व्यतीत करने पर। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी। प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से बहन जूली दास जी के लिए और बेटी जॉयस के लिए। प्रभु इन दोनों बेटियों को अपनी आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे, और यहोवा हमारी धार्मिकता पेज पर आशीष और बरकत हो, इस पर जितने भी अभिषेक दास और दासियां आते हैं प्रभु सबको बहुत बरकत दे। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और मैं अपनी सारी प्रिय बहनों को, जो संसार भर की सारी प्रिय बहनें, सबको मैं सलाम कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ, और जितनी भी हमारी जो बहनें महिलाएं विमेंस फेलोशिप की, विमेंस डे की, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु आप सबको आशीष दे, और मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।